everyone. Open your environment textbook. Open page number 57. How much have you learned to? First write, here only write is given, but you write this, the names of public properties. So write the names of public properties. यहाँ पर कुछ public properties के names लिखने हैं. Railway station, bus station, garden, primary school, gram panchayat, religious places, all these are called public properties. So write it here. Write, what happens if? यहाँ पर नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, अगर ये चीज़ें हो गई तो क्या होगा, दैट वी हैव टू राइट रीजंस फॉर इट. इफ़ वाटर इज एग्जॉस्टेड देर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स, अगर पानी ही नहीं होगा तो लोग जिंदा नहीं रहेंगे, लोगों का अस्तित्व ही नहीं होगा, कोई भी लिविंग बींग्स का अस्तित्व नहीं होगा. इफ़ ऑल ट्रीज गेट ड्राइड, अगर सारे पेड़ सूख जाएँ तो There will be no life on earth. धरती के ऊपर कोई भी जिंदगी नहीं रहेगी. If there is no garbage at all, the environment remains clean and our health will also remain good. अगर कचरा नहीं होगा तो environment बहुत ही clean रहेगा और हमारी health भी बहुत अच्छी रहेगी. Pesticides are sprayed in puddles. अगर पुडल्स के अंदर जो पानी के छोटे छोटे पुडल्स बनते हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाए तो मॉस्किटोज गेट डिस्ट्रॉयड एंड हैंस स्प्रेड ऑफ डिसीजेस विल बी स्टॉप्ड. तो मॉस्किटोज का नाश हो जाएगा और मॉस्किटोज की वजह से जो डिसीज स्प्रेड होते हैं वो नहीं होंगे. If your friend does not help you, अगर आपका friend आपकी मदद ना करे तो you have to help yourself, आपको खुद की help करनी है. But if your friend doesn't help you, so a friend in need is a friend indeed. जो friend आपकी help करता है वो बहुत ही अच्छा friend है, अगर वो help नहीं करता तो this is not good thing. Okay. तो ऐसे आपको अपनी खुद की हेल्प करनी पड़ेगी. एक्टिविटी, टीचर विल ब्रिंग डिफरेंट सीड्स, सीड्स विल बी प्लेस्ड बिफोर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स विल क्लासिफाई द सेम इन मोनोकोट एंड डाइकोट. सी, यू हैव टू राइट सम नेम्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट सीड्स इन योर नोटबुक. सी, यू हैव टू राइट सम नेम्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट सीड्स इन योर नोटबुक. आपको मोनोकॉट सीड्स और डाइकोट सीड्स के नेम्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं. नाउ टर्न द पेज, सी ऑन पेज नंबर 58, राइट हिस्टोरिकल प्लेसेस, होली पिलग्रिमेज प्लेसेस एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट. आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के हिस्टोरिकल प्लेसेस, होली पिलग्रिमेज प्लेसेस और टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में यहाँ पे लिखना है, उसके नेम्स लिखने हैं उस प्लेसेस के. सो मैंने आपको लिखा है थे आगे, सो यू कैन राइट इट बाय योरसेल्फ. देन नेक्स्ट इज, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस आर डेवलप्ड इन द प्लेसेस व्हिच आर विजिटेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. ऐसे प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं उस प्लेसेस में कौन सा बिजनेस डेवलप किया जाता है. सो राइट हियर, प्रसाद, फ्लावर्स, टॉयज, स्नैक्स, टी स्टॉल्स, स्कल्पचरिंग, क्लोथ्स, कैसे, और ऐसे इसी तरह के दूसरे भी बहुत सारे बिजनेस वहाँ पर डेवलप किए गए होते हैं. सो यू कैन राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक. राइट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, डॉग, कैट, काउ, दे आर द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, द एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स, द एनिमल्स विच लिव इन वाटर
दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश ऑक्टोपस सी हॉर्स देन arboreal animals means avians which can fly in the sky jo udte hai use avians kehte hai parrot pigeon sparrow amphibians the animals which can live both on land and in water they are called amphibians frog tortoise crocodile they all are the amphibians think and say From whom do you take help? आप किससे help लेते हो? So the answer is I take help from my family and friends. मैं अपने family और friends से help लेता हूँ या लेती हूँ. What happens if sweeper is not there? अगर sweeper नहीं होगा तो क्या होगा? So the answer is we will have to do the cleaning ourselves. हमें सारी क्लीनिंग खुद से ही करनी पड़ेगी वॉट काइंड ऑफ हेल्प डू यू ऑफर इन हाउस वर्क आप हाउस वर्क में कैसी हेल्प ऑफर करते हो सो द आंसर इज आई हेल्प इन थ्रोइंग गार्बेज अरेंजिंग बेड एटसेट्रा और ऐसी कई सारी भी दूसरी हेल्प होगी जो आप करते होगे सो यू कैन राइट इट टू होम डू यू हेल्प एट प्लेसिस अदर देन होम आप घर के सिवा दूसरी कौन सी जगहों पर हेल्प करते हो सो द आंसर इज वेर एवर आई गो आई हेल्प द नीडी पीपल मैं जहाँ पर भी जाता हूँ या फिर जहाँ पर भी जाती हूँ वहाँ ज़रूरियातमंद लोगों की मदद करती हूँ या करता हूँ सो द प्लेसेस विल बी लाइक स्कूल्स रिलीजियस प्लेसेस एट्सेट्रा हाउ डज पुलिस हेल्प अस पुलिस हमारी हेल्प कैसे करती है सो द आंसर इज पुलिस प्रोटेक्ट्स अस पुलिस हमें प्रोटेक्शन देती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज ऑन पेज नंबर 59 हाउ कैन गार्बेज बी क्लीन्ड इन योर सराउंडिंग्स आपके आसपास गार्बेज यानी कि कचरा कैसे क्लीन होगा सो ऑलवेज यूज डस्टबिन टू थ्रो द गार्बेज हमेशा कचरा डालने के लिए गार्बेज का यूज करना चाहिए Dirty water is to be thrown in gutter only. और जो गंदा पानी है उसे सिर्फ गटर में डालना चाहिए तभी हमारे यहाँ सराउंडिंग क्लीन रहेगा राइट कारपेंटर ही मेक्स ऑल टाइप्स ऑफ वुडन फर्नीचर कारपेंटर सभी तरह का वुडन फर्नीचर बनाता है ब्लैक स्मिथ ही मेक्स टूल्स फ्रॉम आयरन वो आयरन यानी कि लोहे में से टूल्स बनाता है डॉक्टर ही एग्जामाइंस एंड ट्रीट्स पेशेंट्स डॉक्टर पेशेंट को एग्जामाइन करते हैं और उसे ट्रीट भी करते हैं पोस्टमैन ही डिलीवर्स अवर पोस्ट्स एंड पार्सल पोस्टमैन हमारे पोस्ट और पार्सल्स हमारे घर पर डिलीवर करता है राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक देन राइट Write about the places seen by you. आपने कौन कौन से places देखे हैं that you have to mention here. This you write by yourself. Then write about the domestic animals you like. आपको कौन से domestic animals पसंद है उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है उनके names लिखने हैं जो भी domestic animals आपको पसंद है those names you have to write here. Now turn the page. पेज नंबर 60 राइट अबाउट द बर्ड्स यू लाइक आपको कौन से बर्ड्स पसंद है दैट यू राइट हियर एंड लास्ट वन इज व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम आप क्या बनना चाहते हो आप क्या बनना पसंद करते हो बड़े होकर हमारे जैसे हमारे हेल्पर्स है ऐसे आप क्या डॉक्टर पेंटर आर्टिस्ट टीचर कारपेंटर उसमें से क्या बनना पसंद करते हो अबाउट दैट यू हैव टू राइट हियर ओके चिल्ड्रन द एक्सरसाइजेस विच आई हैव गिवन यू दैट यू राइट एंड अदर एक्सरसाइज यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ सो कंप्लीट दिस हैव अ नाइस डे गुड बाय